चाहिए उसको हम नहीं सहेंगे। लव जिहाद का हम विरोध करते हैं, इसको हम नहीं सहेंगे। आज दोबारा से उन डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म किया जा रहा है, कहते हुए कि हम लोगों को आंदोलनों को जिंदा रखना है। आज कचहरियां हमारे पक्ष में नहीं है। अरे दरिंदगी की राजनीति नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लव जिहाद अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। लव जिहाद का अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। नौकरियों पर चोट पड़ रही है, औरतों को राशन नहीं मिल रहा है, और ज्यादातर कौन औरतें हैं जो परेशान है, वो हिंदू औरतें ही है जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनकी सुरक्षा नहीं है। आप सुरक्षा के नाम पर बंधनों को कसना बंद कीजिए। और हम आपको कह देना चाहते हैं कि भारत की औरतें, राजधानी दिल्ली की औरतें, भारत की हर धर्म को मानने वाली औरतें और हिंदू धर्म को मानने वाली औरतें भी सड़कों पर भीग रहेंगी। सत्ता के द्वारा जो औरतों की आजादी के ऊपर हमला किया जा रहा है, जो औरतों के ऊपर हिंसा का संरक्षण दिया जा रहा है, उसके खिलाफ तो साथियों ये कहते हुए कि हम लोगों को आंदोलनों को जिंदा रखना है। आज कचहरियां हमारे पक्ष में नहीं है, आज एनएचआरसी भी हमारे पक्ष में नहीं है। आज अगर कोई हमारे पास रास्ता है तो यही रास्ता है सड़कों पे निकलने का। सामंती मूल्यों को समाज के अंदर लागू कर रही है, जिन सामंती मूल्यों के खिलाफ एक दिन लड़ाई लड़ी थी, और महिलाओं के लिए समानता का दर्जा, महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा, महिलाओं के लिए सुरक्षा का जो सेक माहौल बनाया गया था, और जो डेमोक्रेटिक राइट्स महिलाओं को प्रदान किए गए थे, आज दोबारा से उन डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म किया जा रहा है, ताकि क्योंकि इस पूंजीवादी व्यवस्था को बचने के लिए एकमात्र रास्ता है, एक सांस लेने के लिए उनके लिए एक रास्ता है कि दोबारा से धार्मिक जो रूढ़िवाद है, दोबारा से जो अंधविश्वास है, दोबारा से जो महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, दोबारा से इस देश में मनु संहिता को लागू किया जाए। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि चाहे लव जिहाद के नाम पर डेमोक्रेटिक राइट्स पर हमला बोला जा रहा है, लव जिहाद के लिए सरकार, ये बेशर्म सरकार जो महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को लगातार संरक्षण दे रही है, वही सरकार आज कह रही है, वही सरकार आज हिंदू महिलाओं की इतनी बड़ी हितैषी बन गई है, और वो सरकार कह रही है कि आज लव जिहाद के हमले से महिलाओं को बचाना जरूरी है। आके हम पूछना चाहते हैं कि जब एक देश के अंदर एक दिन में 90 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, 90 महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही है, तब आपकी संवेदनाएं क्यों नहीं जागती? आज आप इस तरीके से महिलाओं के हितैषी बनकर खड़े हो गए हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। साथियों ये सब झूठा है, ये सब दिखावा है, असल बात है इनको इस देश के अंदर फांसीवाद लागू करना है। इस देश के अंदर वैचारिक रूप से लोगों का जो एक दिमाग है उसको पूरी तरीके से संकीर्ण करना है, और इसको हम नहीं सहेंगे। आज जिस भी तरीके से ये डेमोक्रेटिक राइट्स पर हमला बोल रहे हैं, हम इसका खिलाफत करते हैं, और आज हम ये मांग करते हैं कि आप सभी से हम आह्वान करते हैं, और पूरे देश की महिलाओं से ये आह्वान करते हैं कि महिलाओं की लड़ाई, वो लड़ाई महिलाएं अलग से नहीं लड़ सकती, हम अकेले महिलाओं की लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमें अपनी लड़ाई को, महिला मुक्ति के आंदोलन को, हमें इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में तब्दील करना होगा। और मेहनतकश मजदूर, छात्रों, नौजवानों का जो संघर्ष चल रहा है, उसके एक साथ कंधे से कंधा लड़ाई, कंधे से कंधा मिलाकर और लड़ाई को मजबूत करते हुए इस पूंजीवादी व्यवस्था को, और इसके जो जो चेहरे बैठे हुए हैं, टाटा बिरला अंबानी अडानी के जो चेहरे बैठे हुए हैं मोदी और योगी के नाम पर, इसको इनको हमें नेस्ता नाबूद करना होगा, तभी महिलाएं अपनी असली आजादी को प्राप्त कर सकती है, तभी महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकते हैं। साथियों इसी आह्वान के साथ मैं एक और आह्वान करना चाहती हूँ, कल 26 तारीख को पूरे देशव्यापी हड़ताल है, उसको सफल बनाने के लिए हम पूरे देश की महिलाओं से आह्वान करते हैं।
सड़कों पर उतरना है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, जो काले कानून, जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है, हम उनको नहीं सहेंगे। जो श्रमिकों के खिलाफ जो कानून लेकर आई है, उसको हम नहीं सहेंगे। लव जिहाद का हम विरोध करते हैं, इसको हम नहीं सहेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद।